आप पोस्चर कैसा लेते हैं, पोस्चर कैसा दिखाते हैं, इसका 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 एक उल्लेख होता है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने जब मैंने कहा कि जब साष्टांग किया तो उन्होंने जो विधिवत साष्टांग किया तो एक तो उनके आराध्य हैं और आराध्य के सामने साष्टांग होता है, और एक बात यह है कि हमारी पोस्चरिंग ऐसी है जो हमारे जो मैसेज देना चाहे, चाहे वो पॉलिटिकल मैसेज आप इसको निकाले, चाहे जिस तरह का मैसेज निकाले, वो उस मैसेज को सामने स्पष्ट है और उल्लेखित किया जा सकता है। अब वो अपने उस स्थल पर पहुंच गए, पूजा स्थान पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वहां पर जी और वहां पर और आप देख सकते हैं कि जहां पर भूमि पूजन हुआ 12 बजे और अब वो यहां पर जो शिला पूजन है उसको करेंगे। मैंने बताया था कि 12:40 तक वो उसका पूरा उल्लेख है, 12:40 तक का वो जो वैदिक प्रक्रिया है वो महाराज, क्या वैदिक प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? देखिए वो तो 3 तारीख से ही वैदिक विधि विधान का से पूजन चल रहा है, लेकिन जो अभी जिस मुहूर्त में उनको शिला रखनी है भूमि पूजन के लिए, वो 12:29 कुछ सेकंड उसका जो टाइम निश्चित किया गया है, उस एग्जिट टाइम पे उस चांदी की शिला को पूजित करके अभिमंत्रित करके मोदी जी उस न्यू में रखेंगे चांदी की ईंट को, और उसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है और राम मंदिर का निर्माण ही निर्माण है। मैं समझता हूँ आज से और मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है और अब वो पूजन के अनुष्ठान के इस पूरी प्रक्रिया में शरीक हो गए हैं और संलग्न हैं, और आप उस वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। श्रय ओंकार प्रौढ़मूल क्रम पद सहित स्तंद विस्तीर्ण शाखो ऋक्पत्र साम पुष्पो माननीय राज्यपाल समेत आनंदी बहन पटेल बैठी हैं, सेव्यमान प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु वो वेद वृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां व्याजेन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो सुलक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री षडजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, हस्त प्रक्षालनम् हस्ते जलं गृहीत्वा
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः पवित्री कुशावली कुशा कुशा है पवित्री नहीं दूर से रख दीजिए पवित्रे स्वपैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उद्गुणाभ्यच्छित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयाम् पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यश्नवै अग्न आयुर्गुखिपवस आशुवोर्जमिखं च नः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदीद्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने वितमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः सः पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागाद्यस्यामि मा बह्व्यस्तन्वोऽपीतपृष्ठाः कया मदन्तः सदमादेखुभयगुस्यामपतयोरयीणाम् ॐ चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयाम् अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर छिड़के जल का स्पर्श तीन बार जल का स्पर्श करना है आसमन के निमित्त ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः तिलक लगा लीजिए ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुया वदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्तोभागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः चावल है चावल दो ज्यादा नाम ओम अक्षतान् विप्रहस्तात् नित्यं गृह्णन्ति जिनराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धैर्जयशो बलम् आयुर्विद्याजशो बलम् गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही परंतु
भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई, आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब भगवान श्री सीताराम की श्री अभद्रधाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार रहे हैं, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे, पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निबहम भ्रमर शतानीक सेवित कपोलम अभिमत फल दातारम कामेशं गणपतिं वंदे विघ्नध्वान्त निवारणैकतर निर्विघ्नाक देहव्यपाड विघ्न व्याल गुलाभिमान गरुडो विघ्ने बपंसाननः विघ्नातुंग गिर प्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधेर्पादव विघ्ना घोघ घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वर पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओं देवा आयान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णो देवजजनं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम सिद्धबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है, तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहां भैया चादर हटा दिया। एक थाली में हाथ में न ले, एक पात्र ले ले उसमें। यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं।
ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे, जल पुष्प हाथ में, हाथ में जल पुष्प ले लेंगे, मुंह ढक लीजिए पंडित जी, नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है, ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में, ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे हैं। सब बैठे हुए इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संचालक, उधर महाराज जी, क्या हमारा भी सौभाग्य है तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान तो ये लगता है कि 10-20 जन हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं, जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणीनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोप शमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिलापूजनं परिकरैः सह अहं करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं, पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतं गणपति स्मरण पूर्वकं भूम्यादि पूजनं च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें, हे शिव हमें यह शक्ति प्रदान करें, हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजं। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनं गंधाक्षत पुष्प। अभी पृथ्वी माता का और पूर्व भगवान का भी करेंगे। पूर्व के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेष नाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सब पढ़ेंगे।
ओम स्वर्ग को भी रदो निवासी पुरुष रवधाति शुद्धांधर स्वाहाकार वसक्रियोथम अमृतम स्वादीय आदीयते आमनाय प्रवणैरलंकृत दुसे मुस्मै मनुष्ये सुभैर् दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुसे दिव्ये पृथिव्ये नमः दिव्ये पृथिव्ये नमः ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें आधार भूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण जतः स्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलंघ वीर्ये ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताभ्यो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि अनंत नमस्कारान् निवेदयामि अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानंत वराह देवताः प्रीयन्तां जलगिरने जी। अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे, पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन, एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे, पात्र में ही पुष्प लें, हाथ में नहीं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो ताशां मध्ये तुजानन्दा तस्ये देव्यै नमो नमः पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः शुक्लाम् सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः सौभाग्यायै नमः सौभाग्यिनी सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि तदर्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः प्रीयन्तां नाम पूर्वशिलाकार ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है नमः भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः कूर्मशिला तीन गुंबदों वाले ढांचे के अंदर भी बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे ये वही स्थान है। और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टूब्रो के इंजीनियर्स ने इस स्थान को चिन्हित किया है। ओम कूर्माय नमः एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूलादीनि गंधाक्षत पुष्प एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूलादीनि ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः ओम कूर्माय नमः शेषोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः ओम कूर्माय नमः पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमः भगवते कुंकुर्माय धराधर धुरंधराय नमः धराधर धुरंधराय नमः 12 बजे
पहुंचकर 44 मिनट 8 सेकंड पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए, फिर जल लेकर 12:44:08 न पूजने न कूर्म शिला प्रियताम कूर्म प्रियताम न मम कूर्मश प्रियताम न मम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की, जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशम मज्जात्वा विशन्तिन्दवः पुनरोर्जारे वटवदानाः दहद्रान् दुक्षोरुदार वयस्वते पुनम्मा विशदाद्रैः। ओम ममनो ज्योतिर्जुखताम आजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिबन्धनोत्परिष्टं जन्यगुं समिबन्धदातु विश्वे देवा सजिहवादयन्ता ओं प्रतिष्ठाय। कितना समय है और 44 समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान ध्यान किया जाए, वो प्रकरण को शॉर्ट करते हैं, इसीलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे, 2 मिनट पहले। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकट हरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन महागणपतिर्देवता मम सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः अस्मद्देशस्य सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत् स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलङ्कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गङ्गं गङ्गङ्गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयं ते सलिलसिंहं बं बं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डम् क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं 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 दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यं धं 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 धारयं तं धनदमति धियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवं तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लौं लौं लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 यज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं सूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पयज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्तैष्ठ ठ ठ सहिते पल्लवे सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गसर्गं षडस्रे
अष्टौ शक्तिषु सिद्धिर्बहुल गणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदितावाध्वजाल्यः कपालम् तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रा महेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुत विलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवति कुलं दासवत् सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं। परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है, चार श्लोक है मात्र छोटे छोटे। ओम शूले न पाहि नौ देवी पाहि खड़गे न चांबिके घंटा स्वने न पाहि चा पज्ञान स्वने न चांद प्राच्यामृक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिते रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यादि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि जानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए, समय क्या था? श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले एक मिनट भगवान का मंगल में, चार मिनट हैं, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी भदपकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवये श्रीमा देवेदुषां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाकारां ज्वलन्तीं तृप्तां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवेद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं त्रियं लोके देवदुत्यामुदाराम् तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाज्ञवाशा अलक्ष्मीः उपैत्वान् देवसखः कीर्तिसमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे श्रुतिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुरेगिहात् गन्धद्वारां गुरनादर्शां निजपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियां मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्दस्यां श्रीधिशयतानाशः
कर्तव्येन प्रजा भूता मयि संभव कर्तमान् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषाणः यश्च प्रयतो भूत्वा द्वयाताजमन्वः स्वीयां मदरथं च श्रीकाहस्रतनव्ये पद्मानने पद्मोरो पद्माक्षे पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देव सर्वकामाश्च देहि मे पुत्रपात्र धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विन वैनते सोमं पिबतु मित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोखराज्यस्य बृहत्पातर्जगदामे मान्तानो त्वारिष्ठाञ्जगदगुंसमे मान्दधातो विद्वे देव स एह मादय कामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु निकी जय श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु से पुष्प से आरती करवा लो पुष्प से खाली में एक देखिए ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की ये कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो धरणे विद्युत अग्निस्त तथे बचाम त्वमेव सर्व ज्योतिम से आतिक्यम प्रतिगृह्यताम पुष्पातिक्यम समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अञ्जलि अञ्जलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम् ददाति तान् सर्व पापक्षयेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलं ददाति तां सर्व पापक्षयेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल। यह है तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं।
भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा जी। अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम् अग्निदेवतं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम् अहम् समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ध्यायेन्द्रमार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तुरित्यां लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवेशस्य शालिनी देशोऽयं सो बहिरो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। आपका कल्याण हो भगवान श्री सीताराम आपको। जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आप कुर्सी का मुंह प्राप्त करें, 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे, वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था, विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है जी। तो ये वो ऐतिहासिक क्षण था जिसका कि लोगों को, श्रद्धालुओं को